23 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच खेला जाना है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, और ये हाई वोल्टेज मैच होता है। इसमें मेरठ के भुवनेश्वर कुमार भी खेलने की उम्मीद जताई जा रही है। पूरा ग्राउंड है जहां पर भुवनेश्वर प्रैक्टिस किया करते थे। हमारे साथ भुवनेश्वर के कोच हैं संजय जी। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि भुवनेश्वर किंग स्विंग के किंग हैं, और किस तरीके से क्या फ़ायदा मिलने वाला है ऑस्ट्रेलिया के पिचों में? नहीं, ऑस्ट्रेलिया के विकेट में बाउंस ज़्यादा है एशिया के मुकाबले, और भुवनेश का टच भी अच्छा है। अभी प्रैक्टिस मैच में बहुत अच्छा बॉल डाल रहा था, मेरे को पूरी उम्मीद है। पूरी जैसे उसने बाबर आजम को पहले आउट करा था, बाबर आजम को अगर भुवनेश शुरू में एक दो विकेट ले लेता है तो टीम इंडिया का अपर हैंड हो जाता है। और T20 में भुवनेश पर पूरी टीम को विश्वास, पूरे देश को विश्वास है, और हमें तो विश्वास ही है, और मुझे लगता है कि भुवनेश बहुत अच्छा करेगा। जैसे आपने बताया कि बाउंस ज़्यादा होता है ऑस्ट्रेलिया के पिच में, हमने भी देखा है, तो क्या बॉल बाउंस ज़्यादा फोकस करना चाहिए शॉर्ट लेंथ या लॉन्ग कैसे करना चाहिए? वहाँ टीम मैनेजमेंट की रणनीति होती है अपना, जो भी उन्हें लगता है किस बैट्समैन की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, तो वो हर मैन टू मैन बॉलिंग करनी पड़ती है। हर बैट्समैन डिफरेंट होता है, तो जिसके लिए जो उचित होगा, जो चीज़ करनी होगी, वो उसी समय वो उनकी रणनीति होगी। भुवनेश्वर की स्विंग है तो स्विंग के लिए आगे गेंद हो ज़्यादा बेहतर? स्विंग तो आगे डालेंगे तभी होगा। अब वो डिपेंड करता है कि किस लाइन से करना है, कौन सा करना है, वो वहाँ की क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, उस दिन कैसा विकेट मिलता है, मॉइस्चर है नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी स्विंग करनी पड़ती है, कभी नहीं करानी पड़ती, तो जैसी भी वहाँ रणनीति होगी वो गेम को देख के, जो सिचुएशन होंगी उसको देख के डिसाइड करेंगे। भुवी से आपकी बात हुई, आशीर्वाद दिया आपने? नहीं, हमेशा सबका हमेशा आशीर्वाद है, मगर फिलहाल अभी तो हाल फिलहाल में क्योंकि लगातार टूर पे हैं, एशिया कप के बाद सीधे वहाँ चले गए थे, तो अभी तो हाल फिलहाल में कोई बात नहीं, बल्कि हमेशा पूरी टीम इंडिया के लिए गुड विशेस हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं जो यहाँ पे खेलते हैं, भुवनेश्वर को उनको उन्होंने देखा है करीब से और प्रैक्टिस भी की है। आपका क्या नाम है भैया? विनीत कुमार। कौन सा आप स्टेज पर हैं अभी? मैं इंडिया अंडर 19 खेला हूँ, अभी मैं रणजी ट्रॉफी के स्क्वाड में। तो भुवी के साथ आपने प्रैक्टिस वगैरह की है? हाँ जी, हाँ जी। कैसा रहता है उनका माइंडसेट, थोड़ा बताएंगे? माइंडसेट तो बहुत स्ट्रॉन्ग है भैया का, जब भी आते हैं अपने काम में लगे रहते हैं। स्विंग है, आप भी बॉलर हैं, तो स्विंग किस तरीके से वहाँ पर मदद देने वाली है इंडियन क्रिकेट टीम? स्विंग तो भैया की स्ट्रेंथ है, वो स्विंग तो स्टार्टिंग में वो एक दो विकेट लेके देंगे उन्हें, तो टीम अपर हैंड पर जाएगी फिर। आप भी बात करते होंगे तो क्या आपको कोई टिप्स देते हैं? हाँ, बताते रहते हैं वो तो सारी चीज़ें भैया, जब भी आते हैं क्या क्या जूनियर्स को बताते ही रहते हैं, बॉलिंग में जो भी उन्हें लगता है कि ये प्रॉब्लम हो रही है तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। अच्छा, इंडियन विकेट थोड़ा नीचे रहता है, उसमें बाउंस कम होता है, और ऑस्ट्रेलियन विकेट में बाउंस ज़्यादा होता है, तो उसमें कितना फ़ायदा मिलने वाला भुवनेश्वर को, क्योंकि आप भी बॉलर हैं तो थोड़ा सा आपको भी आइडिया होगा? मतलब विकेट बाउंस ही है तो लेंथ बॉल भी अच्छा जाएगा, वहाँ पे निकलेगा बॉल, एक फास्ट बॉलर के लिए बॉल निकलना बहुत अच्छी चीज़ें होती है। यहाँ पे इंडिया में इतना बॉल निकलता नहीं है तो इतना सपोर्टिंग नहीं रहता है फास्ट बॉलर के लिए, ऑस्ट्रेलिया में फास्ट बॉलर के लिए रहेगा थोड़ा। स्विंग भी थोड़ा भैया का ज़्यादा मुझे लगता है कि होना चाहिए वहाँ पे। विशेष देना चाहेंगे, क्या विशेष देना चाहेंगे हमारे माध्यम से भैया के लिए? तो पूरी टीम इंडिया के लिए, इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आए, बस यही है, भैया अपना अच्छा परफॉर्म करे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आए, यहाँ के जितने भी छात्र हैं जो यहाँ पे सीख रहे हैं और जो गुरु हैं भुवनेश्वर कुमार के, उनका ये कहना है इंडिया जीतेगी और भुवनेश्वर बेहतर परफॉर्म करेंगे।